Hello everyone, welcome to Abroad Quest. I hope you all are doing well. मैं इंडिया जा रहा हूँ, इसलिए हमने कुछ शॉपिंग करनी है अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए. तो आज हम आए हैं एग्जेटर के सबसे बड़े सुपर स्टोर जिसका नाम है टेस्को एक्स्ट्रा. तो आज उसका टूर करवाते हैं आपको, लेट्स गो. यहाँ इस टेस्को में ग्रोसरी, किचन आइटम, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड क्लोथ्स सब कुछ मिलता है. ये वैलेंटाइन वीक है इसलिए फ्लावर्स रखे हुए हैं यहाँ टेस्को में भी. ये इधर नाइटवेयर सेक्शन है और आगे सीधा चल के लेफ्ट में क्रोकरी सेक्शन आता है. और ये टर्न होते सारे सेक्शन बने हुए हैं और सब पे नंबर्स लिखे हुए हैं कि जैसे ये बाथ एंड टॉयलेटरी सेक्शन है एंड लेफ्ट साइड में मेकअप सेक्शन है. तो आपको जो भी आइटम चाहिए उस सेक्शन में जाओ और उसकी शॉपिंग करो तो ईजी होता है. यहाँ सब क्लटर नहीं होता, हर एक आइटम का अपना एक अलग से सेक्शन है और ऊपर सब सेक्शंस के नेम भी लिखे हुए हैं. जैसे ये बाथ एंड टॉयलेटरीज का सेक्शन है तो यहाँ जितना भी टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन ये सब आइटम्स इस सेक्शन में होंगे, शैम्पू, हेयर ऑयल. ये सामने फ्रूट एंड वेजिटेबल रखे हुए हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. ये है किड्स सेक्शन, इसमें बच्चों के जूस एंड स्नैक्स रखा हुआ है. यहाँ बच्चे स्कूल्स में ऐसे पैक्ड फूड ही ज़्यादातर लेके जाते हैं लंच के लिए. तो जैसे ये अलग अलग बनाना स्मूदीज, ऑरेंज स्मूदी, एप्पल स्मूदी ये सब बच्चों के लिए है. स्मूदीज का प्राइस 1 pound से 5 pound तक है, इंडिया के 100 to 500 rupees तक का. ये है किड्स टॉय सेक्शन, 12 pound, 42 pound, 2-3 pound से लेके अप टू 50-60 pounds तक के टॉयज़ हैं. यहाँ सब प्राइस पाउंड में लिखी हुई है तो आप उससे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो. जैसे 5 pound तो इंडिया के 500 rupees. ये सामने फ्रेश फूड कॉर्नर्स है कि शॉपिंग करते करते किसी को लंच या कुछ स्नैक्स लेना या कॉफ़ी पीनी है तो वो ले सकते हैं यहाँ से. ये गर्ल्स सेक्शन है, गर्ल्स टॉय सेक्शन, 10 pound, 19 pound की डॉल्स. और इधर ये स्टेशनरी सेक्शन है, बच्चों के लिए ड्राइंग बुक्स और गिफ्ट आइटम्स भी है. ये 3 pound की बुक्स. ये ब्यूटीफुल पेस्टल कलर के बॉक्सेस हैं, कलर बॉक्सेस बच्चों की ड्राइंग के लिए. इसका प्राइस है 9.25 pound, 925 rupees का. यहाँ पर बच्चों के लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का भी सारा सामान है. तो जो भी चाहिए, ये तो कलर बुक्स और स्केच पेन एंड स्टिकर्स हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट डेयरी सेक्शन में. ये इधर राइट साइड में दूध रखा हुआ है. यहाँ दूध प्लास्टिक के कैन में ही आता है, ऊपर दही और आलमंड मिल्क, ओट्स मिल्क, सोया मिल्क सब है. और ये ब्लू बोतल होल मिल्क है एंड ग्रीन बोतल सेमी स्किम्ड मिल्क है. ये 2.25 liter की बोतल है. यहाँ यूके में कोई भी आइटम पर प्राइस टैग नहीं होता, जैसे इंडिया में एमआरपी होता है वैसा कुछ भी रिटर्न प्राइस नहीं होता. हर दिन और हर शॉप पे अलग अलग प्राइस होते हैं और वो काउंटर पर ही लगे रहते हैं, प्रोडक्ट पे कोई प्राइस टैग नहीं होता. तो अगर कहीं दूध 3 pound का मिल रहा है तो कहीं 2.5 pound का भी मिल जाता है और कहीं 4 pound का भी मिल जाएगा. सब शॉप अपना प्राइस टैग रखती हैं. यहाँ चीज़ की भी काफ़ी सारी वैरायटी है,
और ये आगे दही रखा हुआ है। 2.5 पाउंड में 1 लीटर दही का टब है। यहाँ दही काफी अच्छा होता है। ये सामने जूस का सेक्शन है। यहाँ काफी सारी जूस की वैरायटीज है। और ये नीचे नारियल पानी है, या नारियल पानी पैक भी आता है। ये है इंडिया के 400 रुपए का एक कैन। और ये है कोल्ड कॉफी का सेक्शन। अलग अलग ब्रांड्स की कॉफी है। स्टारबक्स, ये है 375 रुपए की कॉफी, कैफे लाते। ये पैक्ड फूड का सेक्शन है। ये आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, सोया मिल्क का सेक्शन। सामने हाउस क्लीनिंग सेक्शन है। ये फ्रोजन फूड सेक्शन है। इसमें मैक्सिमम नॉनवेज फूड है। यहाँ नीचे की रैक में सबसे कम प्राइस का आइटम होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्राइस इंक्रीज होता है, और सबसे ऊपर की रैक में सबसे हाईएस्ट प्राइस का आइटम होता है। अभी अप्रैल में ईस्टर आने वाला है, तो अभी से ही सारी चॉकलेट्स एग शेप में मिलने लगी। ये पूरा चॉकलेट सेक्शन है। इसमें अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट्स हैं। ये भी चॉकलेट है बनी शेप की, 450 रुपए की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ये है स्नैक्स और चिप्स सेक्शन। जैसे इंडिया में लेज फेमस है, वैसे यहाँ ये वॉकर्स चिप्स फेमस है। ये सामने रेड, ब्लू, ऑरेंज, सेम लेज के जैसी पैकेजिंग होती है। ये टेस्को के अपने ब्रांड की चिप्स। ये है ब्रेड सेक्शन। यहाँ बहुत वैरायटी की ब्रेड्स आती है, क्योंकि ये अपनी तरह रोटी तो खाते नहीं, ब्रेड ही इनका मेन फूड है, तो काफी सारे फ्लेवर और वैरायटीज में ब्रेड मिलती है।
ये है 180 रुपए के ब्रेड का पैकेट। हम ये ब्रेड यूज करते हैं। ये है नान का पैकेट, 145 रुपए में 4 नान मिल जाएंगे। ये है केक्स बच्चों के लिए, ये 900 रुपए में फुटबॉल शेप का केक, ये गर्ल्स के लिए क्राउन शेप का केक, 1400 रुपए में पेपा पिक केक। बट यहाँ सब केक में एग्स होते हैं, तो हम तो जो एग नहीं खाते वो ये केक भी नहीं खा सकते। ये अल्कोहल सेक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ यूके में इंडिया की तरह अलग से अल्कोहल शॉप नहीं होती, यहाँ सुपरमार्केट में ही अल्कोहल का सेक्शन होता है। ये था टेस्को का टूर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इससे जो भी अभी यूके मूव होने की सोच रहे हैं या जस्ट अभी मूव हुए हैं, तो इस वीडियो से वो अपना एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि यूके में ग्रोसरी शॉपिंग पे कितना एक्सपेंस होता है। आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। ये टेस्को के बाहर काफी बड़ा पार्किंग एरिया है। आज की शॉपिंग कंप्लीट, अब हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ ये ट्रॉली बस स्टैंड तक लेके जा सकते हैं, और ये एक पूरी ट्रॉली के सामान का हमारा बिल हुआ था 136 पाउंड, मतलब इंडिया के 13,600 रुपए का। इस बार तो हमने मोस्टली बिस्किट्स और चॉकलेट्स की शॉपिंग की है,
क्योंकि इंडिया जा रहे हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली को टेस्ट करवाने के लिए। अब हम बस से यहाँ से घर जाएंगे। यहाँ बस का टिकट प्राइस 4.5 pounds पर पर्सन 24 hours के लिए ये वैलिड होता है, और अदरवाइज सिंगल टिकट भी ले सकते हैं। सिंगल टिकट आई थिंक 2 to 2.5 pounds का आता है, बट सिंगल साइड का अगर टिकट लेंगे तो अप डाउन में 5 pounds का पड़ेगा, जो कि ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए 24 hours वाला टिकट ही सभी को लेना चाहिए, वो सही रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।